नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों ये कुछ मैं जड़ी बूटियों की कुटाई करवा रहा था। ये दोस्तों शतावर फेर मूसली, ये शतावर और ये है सफेद मूसली। तो दोस्तों आजकल मार्केट में ये चीज़ें 70% नकली आती हैं, तो इन चीज़ों को आप ध्यान से देखें। ये है शतावर और ये है सफ़ेद मूसली। इसी तरीके की दोस्तों आपको शतावर और सफ़ेद मूसली लेनी है। उसके बाद दोस्तों ये है अश्वगंधा नगोरी, सबसे उच्च क्वालिटी की अश्वगंधा दोस्तों ये मानी जाती है आयुर्वेद में। इसकी दोस्तों पहचान क्या है, कोई भी आप एक टुकड़ा उठा लें और इसे आप इस तरीके से तोड़ें, अगर बीच में धागा धागा सा निकले या वो एकदम से ना टूटे, बीच में मुड़ जाए जैसे ये सफ़ेद मूसली ऐसे, तो वो अच्छी अश्वगंधा नहीं है। और जो बिल्कुल इस तरीके से एक झटके से अलग हो जाए वो असली है। बाकी दोस्तों ये विदारी कंद, ये दोस्तों एक कुंटल जड़ी बूटियां मुझे तैयार करनी है, पीस के इनका माजून बनाना है। ये विदारी कंद है और ये कुछ जड़ी बूटियों का पाउडर बन चुका है। इसमें सालम मिश्री, सालम पंजा, सालम खाना, बीजबंद, ये चीज़ें हैं, शिलाजीत भी है। और दोस्तों ये मेरे असिस्टेंट ये इन चीज़ों की गुटाई कर रहे हैं, ये अश्वगंधा पीस रहे हैं, ये शिंगरप खरल कर रहे हैं, ये रूमी मस्तगी, ये दोस्तों रूमी मस्तगी, ये रूमी मस्तगी खरल कर रहे हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही पावरफुल चीज़ है, ये इंडिया में नहीं पाई जाती, ये अदर कंट्रियों से यहाँ पे आती है, काफ़ी महंगी भी होती है। और दोस्तों ये है मिश्री, ये दोस्तों मिश्री डलेगी माजून में। और दोस्तों इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है, शतावर यही वाली हो हल्के पीले कलर में, हल्का पीला कलर लिए हुए, ये दोस्तों सबसे उच्च क्वालिटी की होती है। और सफेद मूसली दोस्तों ये इस तरीके की होती है, ये ज़्यादा लंबी भी नहीं होती, ज़्यादा मोटी भी नहीं होती, बारीक सी होती है, बारीक। तो इसी तरीके की दोस्तों सफ़ेद मूसली लेनी है। बाकी मेरा दूसरा चैनल आयुर्वेदिक नुस्खे, वो चैनल दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसमें दोस्तों मैं A to Z शुरू से लेके आखिर तक की जानकारी दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।